व्यूअर्स, वेलकम टू अपैरल टेक। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि 16x24 और 15x15 हीट प्रेस मशीन कैसे यूज करनी है आपको प्रेस। तो इसका हम टाइम टेम्परेचर की सेटिंग आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसके अंदर क्या क्या आप प्रिंट कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। सेकेंडली, इसकी मीटर की सेटिंग कैसे होती है उसकी प्रॉपर हम डिटेल में लेंगे। बहुत छोटी वीडियो बनाएंगे, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा मीटर के ऊपर आते हैं। कैमरे को थोड़ा सा पास ले लेते हैं और उससे आपको डिटेल बताते हैं। तो व्यूअर्स, आप देखिए कि हमने इसका टाइम और टेम्परेचर सेट करने के लिए एक बार बताए थे। सेट करने के लिए आपने टेम्परेचर सेट करना है, ये ऊपर टेम्परेचर आता है, नीचे टाइम आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्सियस और ये इसमें लिखा हुआ है सेकंड्स, आपको दिख रहा होगा एस लिख रहा है और यहाँ पे सेल्सियस में टेम्परेचर आता है। इसका टेम्परेचर चार्ट हम हमेशा प्रोवाइड करते हैं मशीन के साथ, ये आप देख सकते हैं। टेम्परेचर चार्ट आपको मिलेगा जब आप अपैरल टेक से मशीन लेंगे, तो आपको ये वाला टेम्परेचर चार्ट मिलेगा। साथ में आपका ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपने सेट करने के लिए ये आपको इंक्रीज और डिक्रीज के बटन्स हैं। आप इससे टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, इससे डिक्रीज कर सकते हैं। हमने 220 के लिए सेट कर रखा है। मशीन को गर्म होने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो इतना ही टाइम इसमें लगा है गर्म होने के लिए। टाइम एक और टेम्परेचर हमने वापस दबाएंगे तो ये सेट वापस हो गया। टाइम सेट करना है हमें, टाइम इंक्रीज और डिक्रीज इससे इजीली हो सकता है। ये आपका इंक्रीज के लिए है, ये डिक्रीज के लिए है। इसके ऊपर एरोज भी उसी हिसाब से बने हुए हैं, आपने इसको भी 45 पे सेट करना है। इस पर हम एक बार सब्लिमेशन प्रिंटिंग करेंगे। सब्लिमेशन प्रिंटिंग की टेक्निक आपको पता है क्या होती है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग का आपको एक बार करके दिखाते हैं। अभी हमारी मशीन का टेम्परेचर सेट हो चुका है। अभी हमने एक 12x12 प्लेन कुशन लिया है इसके अंदर, साथ में हमने एक सब्लिमेशन प्रिंटर से एक ये प्रिंटआउट निकाला है। इसकी आपने वीडियोस देखी हैं कि प्रिंटआउट कैसे निकालना है, क्या है, इसके अंदर हम सिर्फ प्रिंटिंग का काम करेंगे। टेम्परेचर सेट हो चुका है, हमने यहाँ पे कुशन रखा, इसके ऊपर हमारा प्रिंटआउट है। प्रिंटआउट को हमें थोड़ा सा अलाइन करना है ताकि आपका उसको पूरे को कवर कर ले। और ये प्रेशर एडजस्टमेंट की नॉब है, हमने इसका प्रेशर एडजस्ट कर रखा है, वो आप भी नॉर्मली इसको दबा के एक बार चेक कर सकते हैं। इसको नीचे करते ही इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आपके लिए इसके अंदर कोई बटन नहीं होता, जैसे 5-in-1 में होता है कि आपने एक बटन प्रेस करना है इससे टाइमर ऑन होगा। इसमें ऑटोमेटिकली ये बटन इसका टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो इसका 33, 29, 28 ऐसे हर बार टेम्परेचर गिर रहा है। सेम वर्किंग 15x15 की भी होती है, दोनों में मीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेटिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसके साइज का डिफरेंस है जो आपको दिख रहा है। उतने जितना हम आपको टेम्परेचर बताएं उसके हिसाब से आप लीजिए और आप इसको इजीली कर सकते हैं। फैब्रिक के लिए आपको बताया क्या करना है और इसके बाद हम एक विनाइल प्रिंटिंग का काम भी करेंगे 15x15 में, जिसमें आपको इजीली हर एक चीज का आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारा टाइमर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 21 खत्म। ये बीप कर रहा है, इसका मतलब आपको इसको उठाना है। आपने इसको उठाया और ये प्रिंटआउट आपका देखिए, ये आपका क्वेश्चन तैयार। इसके अंदर हम गद्दी डाल के आपको फिर से दिखाएंगे, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा और फिर से आपका कलर सारा निकल के इसमें ट्रांसफर हो चुका है। तो ये इसकी गद्दी आती है आपको जब आप क्वेश्चन कवर हमसे लेते हैं 12x12 का, तो साथ में आपको गद्दी भी मिलती है। इसका अगर मैं क्वेश्चन कवर के प्राइस की बात करूं तो 110 रुपीज का क्वेश्चन कवर आता है अलोंग विद दिस फिलर। तो आपको फिलर के साथ ये मिल जाता है। और ये देखिए आपका छोटी सी प्रिंटिंग करने के बाद ये आपका 110 रुपीज का जो आपका क्वेश्चन कवर था, ये आराम से आपका 300-350 रुपए का मार्केट में बिक जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आपको अभी विनाइल प्रिंटिंग करके दिखाते हैं, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा विनाइल का एक आइडिया देते हैं। अभी 16x24 में हमने सब्लिमेशन का काम करा कुशन के ऊपर, अभी हम हीट ट्रांसफर का काम करेंगे, विनाइल प्रिंटिंग का काम करेंगे एक ब्लैक हुडी के ऊपर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये 15x15 अपनी स्विच ऑन कर लेते हैं। इसके अंदर वापस टेम्परेचर सेट करना सेम है, उसके अंदर वापस हम वीडियो को नहीं लेंगे, उसमें हम इसका टेम्परेचर, हम अगर हम विनाइल का काम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा टेम्परेचर आता है 180 डिग्रीज और टाइम आता है 10 सेकेंड्स, 180 डिग्रीज इन सेल्सियस और टाइम आता है 10 सेकेंड। और ये हमारी हुडी है जो हमने ब्लैक हुडी ली है, इसके प्राइजेस भी आपको हमारी कैटलॉग में मिल जाएंगे। जिस भी चीज का आपको प्राइस चाहिए आप इन डिटेल में उसको कैटलॉग में से ले सकते हैं, हर एक चीज के प्राइसेस रहते हैं। मशीन की प्राइस भी मैं आपको एक एस्टिमेट प्राइस वीडियो के एंड में एक बार शेयर करूंगा, लेकिन प्राइसेस घटते बढ़ते रहते हैं बिकॉज चेंज मार्केट में रॉ मटेरियल के फ्लक्चुएशन की वजह से, तो प्राइसेस फिक्स नहीं होते, ये हमने पहले भी बताया अपनी वीडियो में। आप उस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऑर्डर कर रहे हो एक बार प्राइस कंफर्म कर लीजिएगा। मैं एक बार हुडी को यहाँ पे बिछा देता हूँ। और ये प्लॉटर से कटिंग कैसे करनी है उसकी भी आपने एक और वीडियो देख रखी है। आप हीट ट्रांसफर प्लॉटर कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसमें नहीं है कि आप सिर्फ प्लॉटर से ही प्रिंटिंग कर सकते हैं,
आप हीट ट्रांसफर प्लॉटर कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं, जो क्यूरिंग का काम करते हैं, जो स्क्रीन का काम करते हैं, और वो भी इसके अंदर क्यूरिंग करना बहुत जरूरी होता है। कई बार जैसे कई बार आप देखते हैं कि स्क्रीन प्रिंट फट जाता है, तो वो फटता नहीं है अगर आप उसकी प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं। तो जितना भी आपने गोटा पत्ती का वर्क देखा है, जो लोग पेस्टिंग का काम करते हैं स्टोन्स वगैरह के ऊपर, वो भी ये लोग दोनों मशीनें बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप उसके अंदर शूज के अंदर अगर आपका काम है, तो शूज के अंदर भी सब्लिमेशन के अंदर या हीट प्रेस का काम काफी ज्यादा आता है, वो स्टिकर्स वगैरह चिपकाने में काफी यूज आते हैं। तो ये आपका विनाइल है, विनाइल को हमने काट के ऐसे ले रखा है, इसको हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चिपकाना है और इसको हमने प्रेस करना है। प्रेशर इसका अच्छा हमें सेट करना है ताकि प्रेशर ज्यादा रहे और ये अच्छे से स्टिक कर जाए। और आपने कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर से नीचे करना है। इसमें भी ऑटोमेटिकली आपका स्टार्ट हो जाता है टाइमर। टाइमर 10 सेकेंड्स के लिए हमने रखा था, काम हो गया है, हमने इसको हटा देना है। जब भी हम विनाइल का काम करेंगे, हमें इसको कोल्ड पील करना है। कोल्ड पील मतलब जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तब हमने इसको हटाना है, उससे पहले हमने इसको नहीं हटाना। तो हमारी ये हुडी प्रिंट हो चुकी है, इसको हम एक बार हटा देते हैं। यस, ये देखिए, ये आपका पूरा पील ऑफ हो गया और ये आपकी हुडी तैयार। तो हमने दो प्रोडक्ट बनाए हैं दो मशीन के थ्रू, 15x15 एंड 16x24 के। 15x15 की अगर हम अप्रोक्सीमेटली एक प्राइस का आइडिया दे, तो ये 12,000 से 13,000 रुपए के बीच में इसका प्राइस रहता है, आगे पीछे होता रहता है, इसके रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग प्राइस फ्लक्चुएट होता है। सिमिलरली 16x24 का 17,000 to 18,000 के बीच में प्राइस फ्लक्चुएट होता है। तो आप दोनों में जब भी आप ऑर्डर कर रहे हो, एक बार प्लीज कैटलॉग मंगवा ले और करेंट प्राइस पता कर ले, उसके बाद ही आप ऑर्डर करें। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह हम आपके साथ नई नई हर वीक हम आपके लिए नई ट्रेनिंग वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर हम कुछ प्रोडक्ट भी कवर करेंगे और मशीन्स भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।